हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑक्टेन व्हील्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योतिर्मय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा एयरयॉक्स 155 बाइक के बारे में। सॉरी, ये एक स्कूटर है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो बाइक की तरह ही है और यहाँ पे पावर फिगर भी बहुत अच्छी मिलती है। ये एक अलग टाइप की स्कूटर है इंडिया में और इस टाइप की स्कूटर अगर देखा जाए तो कोई भी अभी भी नहीं है इंडिया में। ये 150 या फिर 160 सीसी सेगमेंट में तो पहले से ही है, जैसे कि वेस्पा या फिर एप्रिलिया की तरफ से आती है स्कूटर, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सेगमेंट की है और ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं पावर क्रूजर टाइप की स्कूटर। और इस स्कूटर में बहुत सारे चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अपडेट हम लोग देते रहते हैं डेली। और इंस्टाग्राम में आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली बातें भी कर सकते हैं, तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यामाहा एयरयॉक्स 155 एक अलग 55 सीसी की एक स्कूटर है, लेकिन यहाँ पे जो इंजन है ये एक बहुत ही जाना पहचाना इंजन मिलता है इस स्कूटर में। जो इंजन आती है यामाहा R15 V4 या फिर V3 से ही, और इसी इंजन का यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज आपके दिमाग में आएगा तो वो एक बाइक के इंजन है, वहां पे लिक्विड कूलिंग है, वहां पे 6-speed गियरबॉक्स है जो मैनुअल गियरबॉक्स उस बाइक में मिलती है। तो इस बाइक में क्या, मतलब इस स्कूटर में क्या किया गया है, तो यहाँ पे ये स्कूटर का जो इंजन है यहाँ पे भी लिक्विड कूलिंग का ही यूज किया गया है और यहाँ पे एक 6-speed के बदले एक 5-speed गियरबॉक्स है। लेकिन ये कोई मैनुअल गियर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे CVT टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे कार्स में यूज़ होती है, जहाँ पे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होता है वहाँ पे CVT टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है नॉर्मली। और ये CVT टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए एक चीज़ होता है जो है माइलेज में थोड़ा बहुत सुधार होता है, और उसी हिसाब से इस स्कूटर में भी जो माइलेज है एक 150 सीसी सेगमेंट में वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50 km/h तक की माइलेज आपको इजीली मिल जाएगी। तो लुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लुक है ये बहुत ही अच्छी है और पूरी तरीके से अलग है कोई भी स्कूटर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे इसको। और यहाँ पे जो फ्रंट में है पूरी तरीके से इस बाइक में सामने पीछे कोई भी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ LED लाइट्स का ही यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी देखने में एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी सब कुछ है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, और इसमें इंफॉर्मेशन सब जो भी चाहिए होगा सब कुछ मिल जाएगा। बाकी सारे स्कूटर में जहाँ पे फुट रेस्ट होता है, यहाँ पे अगर इस स्कूटर में देखेंगे तो इसमें जो फुट रेस्ट की जगह है ये थोड़ा सा अलग है, और इसी मिडिल पोर्शन में ही आपको पेट्रोल भरने के लिए भी जगह मिलता है, मतलब फ्यूल फिलर यहीं पे मिल जाएगा, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह थोड़ा सा कम भी लग सकता है, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद यूज टू हो जाएंगे अगर आप कोई भी छोटे स्कूटर से स्कूटर में मूव हो रहे हैं तो। इस बाइक की अगर सीट को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट सीट है मतलब जो राइडर सीट है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा वाइड और लॉन्ग भी है, लेकिन जो पिलियन सीट है ये उतना ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारे स्कूटर को अगर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड एक सीट मिलती है, लेकिन इस स्कूटर में उस टाइप का सीट नहीं मिलेगा। लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लॉन्ग राइड आप कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे और एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फ्यूल टैंक है वो नीचे ही है स्कूटर की, मतलब मिडिल पोर्शन में है, तो उसके कारण क्या है कि नीचे का जो बूट स्पेस है ये और भी ज़्यादा है बाकी सारे स्कूटर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे एक फुल हेलमेट और उसके साथ साथ एक हाफ हेलमेट इजीली आ जाएगी। फ्रंट में मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे मिलती है डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हार्डर साइड में ही दिया गया है, मतलब सिटी राइड के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाली है ये सस्पेंशन सेटअप। और अगर टायर साइज़ भी देखेंगे तो सामने पीछे बहुत ही अच्छा टायर साइज़ दिया गया है, जो बाकी सारे स्कूटर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा देखने में भी। और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी जो दिया गया है वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सामने की तरफ मिलती है 110/80/14 सेक्शन की टायर, और पीछे मिलती है 140/70/14 के टायर, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वाइड भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एक टायर है अगर देखा जाए, मतलब ग्रिपिंग भी अच्छा हो जाएगा। और ये टायर ट्यूबलेस टायर तो ऑब्वियसली है। इस स्कूटर में वही सेम इंजन का यूज़ किया गया है जो मिलती है R15 में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, जैसे कि ये वही सेम इंजन ही है जो एक 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, लेकिन यहाँ पे पावर फिगर मिलती है सिर्फ और सिर्फ 15 BHP, उसके साथ साथ 14 Nm की टॉर्क मिलती है, जहाँ पे जो R15 है वहाँ पे मिलती है 18 BHP, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड में किया गया है। उसके साथ साथ CVT गियरबॉक्स मिलती है, तो यहाँ पे माइलेज भी अच्छी मिलती है, और यहाँ पे पावर थोड़ा सा कम करने के कारण इस इंजन में कोई भी हीटिंग इशू आपको नहीं दिखेगा।
बाकी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस स्कूटर का जो वेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 126 किलोग्राम। उसके साथ साथ इसका जो सीट हाइट है वो है 790 मिलीमीटर्स और यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 145 मिलीमीटर्स की। मतलब ये एक स्कूटर के हिसाब से ठीक ठाक हाइट ही मिल जाती है। उसके साथ साथ स्टीपर साइड में सस्पेंशन सिस्टम, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस रिलेटेड इशू नहीं दिखेगा। प्राइसिंग में अगर देखा जाए तो प्राइसिंग में थोड़ा सा अपर साइड में दिखेगा इसका प्राइस जो है 130,000 रुपीज़, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी है ये स्कूटर और यहाँ पे फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है जो बहुत सारे स्कूटर में नहीं मिलता है अभी भी, और डुअल चैनल होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही माना जाएगा। सामने के तरफ डिस्क ब्रेक भी है, पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक, और बाकी सारे चीज़ों को अगर देखेंगे बाकी सारे स्कूटर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाती है। और ये स्कूटर आप ले सकते हैं अगर आपको इस सेगमेंट में कोई भी प्रीमियम स्कूटर चाहिए तो। अगर ये स्कूटर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।